हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब मजे में हैं, खुश हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। मेरा परिवार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, देख के बहुत खुशी हो रही है। और जो आज पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, मैं डॉक्टर कंचन गाबा कोलकाता से ट्रांसफॉर्मेशनल लाइफ कोच। इस चैनल में हम सेल्फ डेवलपमेंट की एक नई भाषा लिख रहे हैं। अगर आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और पास में जो बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। दोस्तों, एक खुशखबरी आपको मैं बहुत दिन से कहती आई हूँ कि मैं आप लोगों के लिए YouTube से हटके कुछ वर्कशॉप्स लेके आऊंगी जो पूरी तरह फ्री होंगी, लेकिन उसकी सीट्स बहुत लिमिटेड होगी। मैं कुछ रिसर्च कर रही थी। सक्सेस फॉर्मूलाज की बहुत किताबें तो बाजार में मिलती हैं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के साथ मुझे ना दिखाई होते हुए मैंने कैसे सक्सेस को अपनी लाइफ में आजमाया, उस फॉर्मूलाज को मैं रिसर्च कर रही थी। अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं तो यूट्यूब वीडियो हु इज डॉक्टर कंचन गाबा नीचे डिस्क्रिप्शन में जा रहा है, आप उसको देख सकते हैं। जो मैं आपको बता रही थी, मैंने सक्सेस को कैसे अचीव किया, उस चीजों पे मैं एक्सपीरियंस कर रही थी, रिसर्च कर रही थी, और मेरी रिसर्च तकरीबन पूरी हो गई है। मैं मार्च में ही आपके लिए वेबिनार ला रही हूँ, और अगर आप भी चाहते हैं उस फ्री वेबिनार का हिस्सा बनने तो प्लीज नीचे जो गूगल फॉर्म जा रहा है उसको अभी फिलअप कर दीजिए ताकि सबसे पहले उस वर्कशॉप की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्त, बहुत वैल्यू एडिशन वाला वर्कशॉप होगा, बहुत यूनिक होगा, लेकिन सीट बहुत लिमिटेड होंगी, इसलिए डोंट वेट। आज के वीडियो पे आते हैं। आपने थंबनेल तो देखा है और तकरीबन कई बार सुना भी है, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, एनर्जी। आपकी फ्रिक्वेंसी जैसी होगी आप उतनी ही सक्सेस को अट्रैक्ट करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, काफी चीजें आपने देखी हैं, सुनी हैं। कभी कभी आप लोग के मन में एक शंका पैदा होती है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही में करता है काम? यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही में काम करता है, लेकिन आपकी फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन, जिस चीज को आप चाहते हैं उससे मैच करना जरूरी है। अब आप कहेंगे, ये फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन क्या होती है, कैसे बनती है? वेरी सिंपल, आपकी जो फीलिंग्स होती है, आपके जो इमोशंस आपके अंदर चल रहे होते हैं, वो आपके फीलिंग्स और आपके इमोशंस आपकी फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन को तैयार करते हैं। पावर वर्सेस फोर्स इस किताब में पूरी वाइब्रेशंस की एक स्केल दी गई है। मान लीजिए अगर आप शेम इमोशन में हैं, आपको किसी चीज से बहुत शर्मिंदगी हो रही है, तो आप एकदम लो वाइब्रेशन में होते हैं, और धीरे धीरे ये वाइब्रेशन जैसे जैसे ऊपर जाता है, डिटर्मिनेशन, करेज, वैसे वैसे आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती रहती है, आपका ऑरा बढ़ता रहता है। अब मान लीजिए एक स्टूडेंट, वो कहता है कि मैं जब पढ़ता हूँ 2 घंटे तो बहुत मन लगा के पढ़ता हूँ, लेकिन बाकी जो भी उसके सोने के छोड़ के जो भी और 10-12 घंटे बचते हैं, उस घंटों में वो बहुत नेगेटिव सोचता है, पता नहीं मैं एग्जाम में पास कर पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मुझे ये सीट मिलेगी कि नहीं। अब उसका फोकस कहाँ है? उसका फोकस है नेगेटिविटी में। पहली बात तो उसका पढ़ाई में ध्यान लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसका मन नेगेटिव होके रखा है।
और दूसरी बात है कि अगर वो पढ़ भी लेता है तो भी वो नेगेटिव को ही अट्रैक्ट करेगा। चलिए इसको बहुत सहजता से समझते हैं, एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक साधु अपने शिष्यों को लेके प्रवचन कर रहे थे, तो उन्होंने प्रवचन करते करते कहा कि इस दुनिया में ना, इस यूनिवर्स में सब कुछ एबंडेंस में है, यानी कि प्रचुरता बहुत है, आपको जो चाहिए वो मिल सकता है। ये बिल्कुल एक एटीएम मशीन की तरह है, आप जाओ पासवर्ड डालो और उस चीज को ले लो। या ये बिल्कुल एक रेस्टोरेंट की तरह है, रेस्टोरेंट में जाओ बैठो ऑर्डर दो और वो चीज आपको मिल जाएगी। आप यूनिवर्स से जो मांगोगे, जो ऑर्डर दोगे वो आपको मिल जाएगी। सबके लिए इतना अबंडेंस इस दुनिया में है। तो एक शिष्य था, वो खड़ा होता है, वो कहता है गुरुजी आई डोंट एग्री विथ यू। वो कहते क्यों? मुझे नहीं लगता कि ये यूनिवर्स अबंडेंस में है। कोई चीज को पाने के लिए कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये यूनिवर्स अबंडेंस में है? तो कहते हैं ठीक है, मैं इसका जवाब कल दूंगा। आप कल यहां से 3 किलोमीटर दूर एक जंगल है, उस जंगल में आ जाना। जंगल के घुसने के बाद 5-6 किलोमीटर के बाद आपको एक झरना मिलेगा, उस झरने के पास खड़ा हुआ मैं आपको दिखाई दूंगा और मैं आपको जवाब दूंगा। पर ख्याल रहे कि जंगल में थोड़ा सा चलने के बाद जंगल बहुत घना हो जाता है, उसमें बहुत जंगली जानवर भी हैं, शेर वेर भी हैं, तो बहुत सावधान, बहुत अंधेरा भी होता है, इसलिए साथ में एक टॉर्च जरूर रखना। अब यह शिष्य बहुत घबरा जाता है, कितने घने जंगल में कैसे जाऊंगा, पर जाना तो अब पड़ेगा ही। अगले दिन सुबह होती है, शिष्य चलना शुरू करता है, 3 किलोमीटर के बाद जंगल भी आ जाता है। जंगल में अभी आधा 1 किलोमीटर ही जाता है कि बहुत घना जंगल, बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब वो हर स्टेप में खड़ा होता है, इधर उधर सब जगह टॉर्च मारता है, देखता है कि कोई जंगली प्राणी तो नहीं है। बहुत धीरे धीरे चारों तरफ देखते देखते वो आगे बढ़ता है और शाम होते होते आखिर में वो झरने के पास पहुंच जाता है। वहां गुरुजी मिलते हैं। गुरुजी कहते हैं आ गए? शिष्य कहते हैं बहुत मुश्किल से। गुरुजी कहते हैं इतनी मुश्किल क्यों हुई? शिष्य कहते हैं जंगल इतना घना था, इतने जंगली जानवर थे, बहुत देख देख के आना पड़ रहा था, बहुत सावधान से आना पड़ रहा था। तो गुरुजी कहने लगे पता है इसके पहले जितने भी शिष्य यहाँ मेरे पास आए हैं वो 1-1.5 घंटे में मेरे पास पहुंच जाते थे। शिष्य कहते ऐसे हो ही नहीं सकता। साधु जी कहते हैं हाँ ऐसा ही हुआ है, पर पता है कैसे? उनको मैंने कुछ और कहा था। शिष्य कहता है क्या कहा था? मैंने कहा था कि जंगल घना तो है लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, हाथ में एक टॉर्च रखना और तुम्हें रास्ते में बहुत सारे पद चिन्ह दिखाई पड़ेंगे झरने तक जाने के, बस पद चिन्हों को देखते देखते झरने के पास पहुंच जाना। उन्होंने पद चिन्ह देखते देखते जल्दी जल्दी वो झरने में पहुंच गए। यही तो जवाब है तुम्हारा कि तुम जिस चीज पे फोकस करोगे वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। उन्होंने पद चिन्ह में फोकस किया और वो जल्दी जल्दी पहुंच गए। इनको पता था कि पद चिन्ह में फोकस करना है और तुम्हें पता था कि जंगली जानवर है, तुम्हें खा सकते हैं और बहुत अंधेरा है, रास्ते का पता नहीं है, तो तुम इधर उधर झांक रहे थे। दोस्त, वेयर योर फोकस गोज
योर एनर्जी फ्लोज, और यही एनर्जी, यही इमोशंस, पहले इंसान जो शिष्य अभी डर डर के जा रहा था, उसके अंदर फ्रिक्वेंसी क्या थी? फियर की, डाउट की, पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, तो उसको तो फिर कैसे मिलेगी चीजें। लेकिन इसके पहले जो शिष्य गए थे उनके पास फ्रिक्वेंसी क्या थी? कॉन्फिडेंस की। तो कॉन्फिडेंस की फ्रिक्वेंसी बहुत हायर होती है, इसलिए आप जितनी हाई फ्रिक्वेंसी में रहेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन उतना काम करेगा। आज मिल गया आपका जवाब, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही में काम करता है कि नहीं। मैं ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छे भी लग रहे होंगे। लेकिन आप अगर और डिटेल्स में इन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो पूरा 2 घंटे का वेबिनार जो मार्च में आ रहा है उसको जरूर अटेंड करिएगा, वो आपकी लाइफ बदल सकता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।